हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन के स्टार्टर ख़राब हो जाए तो घर बैठे कैसे तैयार करें। सबसे पहले मोटर के अंदर स्टार्टर का वायर लगा देंगे और चेक करेंगे दबा कर, हमारी मोटर नहीं चल रही, स्टार्टर हमारा ख़राब है। स्टार्टर को खोल देंगे। खोलने के बाद में दोस्तों एक बार और चेक करेंगे, हमारा स्टार्टर ख़राब है। सबसे पहले कैपेसिटर के वायर को खोल के चेक कर लें आप। कैपेसिटर का वायर टूटा हुआ तो नहीं है, तो हमारा हमने खोल के चेक कर दिया, वायर एकदम सही है। वापस वायर को हम वायरिंग टेप से चिपका देंगे। दोस्तों आप कैपेसिटर को भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा कैपेसिटर सही था इसलिए हमने इसी को वापस लगाया। अगर आपके कैपेसिटर ख़राब है तो एक बार कैपेसिटर भी चेंज कर दें। मोटर लोड नहीं ले रही है तो भी आप कैपेसिटर चेंज कर दें, जिससे मोटर लोड लेना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और हमने वापस एक बार चेक किया तो हमारी पत्ती में ही कुछ मिस्टेक, पत्ती हमारी टूटी हुई थी। तो दोस्तों एक बार लगा के हमने पीछे चेक किया तो करंट आ रहा है, बस पत्ती टूटने की वजह से स्टार्ट खराब था, मोटर चल नहीं रही थी। तो हमने दोस्तों पत्ती को नया लगा दिया। पत्ती हमने तेल के पीपे की काट के बना दी। आप भी चाहे तो इस प्रकार बना सकते हैं या फिर मार्केट से ला सकते हैं, 10 रुपये की आएगी, 10 से 15 रुपये की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें।